नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट का पार्ट फोर, मतलब टाइप नंबर फोर। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, अन्य प्रकार के प्रश्न जिन्हें भी मित्रों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इजीली आप वहां जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइप नंबर फोर। टाइप नंबर फोर को समझने के लिए आपको अनुपात और समानुपात आना चाहिए। जैसे हमारे पास में एक नंबर है 90, और आपसे बोल दिया जाए कि 90 को 1:2 में विभाजित कीजिए, 1:2 में डिवाइड कीजिए। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका निकालना है तो क्या रखेंगे, 1 अनुपात, रेशियो का एडिशन मतलब अनुपातों का योग, 1+2 3 गुणा टोटल नंबर, टोटल नंबर 90। तो जब किसको काटेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 30, तो इसका 30 तो ये डबल होगा यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे 60। तो ये आपको आना चाहिए और ये आपको माइंड में ही करना आना चाहिए। जैसे आपको दे दिया गया है 120, क्या दे दिया गया आपको, मान लीजिए 120, 120 को आप डिवाइड कीजिए 2:1 में। तो हमें पता है 120 को हम अगर 2:1 में विभाजित करेंगे तो ये आएगा 80 और ये आएगा हमारा 40। तो ये आपको फटाफट करना आना चाहिए, क्योंकि आप इतनी फास्ट करेंगे तो एग्ज़ाम में अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, समझेंगे पहले क्वेश्चन को, कि कक्षा में कुल 90 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं, टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास में, t=90। छात्र व छात्राओं का अनुपात 1:2 है। मेल एंड फीमेल मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया है हमें, मेल एंड फीमेल का रेशियो गिवन है 1:2, तो लिखेंगे हम 1:2। ठीक है, अब 90 को हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर 30 मेल हैं तो 60 क्या होंगी, फीमेल होंगी। फिर आपको बोलेगा कतार में ऊपर से, अभी तक हम टाइप नंबर थर्ड तक पढ़ते आ रहे हैं, पंक्ति लाइन पंक्ति लाइन पंक्ति लाइन, लेकिन टाइप नंबर फोर में हम पढ़ेंगे कतार के बारे में। और कतार मित्रों कुछ इस तरीके की होती है, क्लियर है क्या? तो आपको बोलेगा कतार में ऊपर से, तो कतार का ऊपरी सिरा इधर से स्टार्ट होता है और कतार का निचला सिरा इधर से स्टार्ट होता है। तो आपको क्या बोला, कतार में ऊपर से राम का स्थान 15वां है। तो मान लीजिए कतार में यहाँ पे हम मान लेते हैं राम है, और राम का स्थान ऊपर से कितना गिवन है, 15वां है। क्लियर है क्या? और अब आपको बोलेगा कि यदि राम के आगे 40 छात्र, सॉरी, राम के आगे 10 छात्राएं हैं, कितनी छात्राएं हैं, 10 छात्राएं हैं, तो राम का अगला जो हिस्सा होगा ये ऊपर वाला होगा और राम का जो पिछला हिस्सा होगा वो नीचे वाला होगा। तो राम के आगे 10 छात्राएं हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे फीमेल की संख्या कितनी है, 10 है। और फिर पूछेगा कि राम के पीछे कितने छात्र होंगे, राम के पीछे कितने छात्र होंगे, तो हमें पता है कि मित्रों यहाँ से लेके यहाँ तक कुल लोग कितने हैं, 15 हैं, जिसमें से छात्राएं कितनी हैं, 10 हैं। तो 15 में से 10 छात्राएं हैं, तो छात्र मतलब मेल, मेल कितने होंगे, 5 होंगे। और क्या पूछा आपसे, राम के पीछे मतलब राम को छोड़कर इसके नीचे कितने मेल हैं, हमें राम के पीछे छात्रों की मेल की संख्या में छाटनी है। तो टोटल मेल कितने हैं हमारे पास में मित्रों, 30 हैं। राम तक ऊपर कितने हैं, 5 हैं। तो क्या करेंगे हम, 30 में से कितना कम कर देंगे, 5 कम कर देंगे। तो 30 में से जब हम 5 कम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25, कि राम के पीछे मेल मतलब छात्रों की संख्या कितनी होगी, 25। तो ये पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं पैटर्न को और समझने के लिए, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक कतार है और उस कतार में आपको दिए गए हैं 60 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास में, 60 हैं। मेल व फीमेल का रेशियो गिवन है 2:1, 2:1। तो हमें पता है कि 60 हैं तो ये कितना होना चाहिए, 40
40 और ये 20, क्लियर है क्या? हमने डिवाइड कर दिया 40 और 20, मतलब कतार में लड़कों की संख्या कितनी है, 40 है, और लड़कियों की कितनी है, 20 है। फिर आपसे बोलेगा कि कतार में ऊपर से पूजा का स्थान मान लीजिए 25वां है, तो ऊपर से तो यहाँ से लेंगे हम लोग, तो मान लीजिए यहाँ पे कौन बैठी है, यहाँ पे पूजा बैठी है, और पूजा का स्थान ऊपर से कितना दिया गया आपको, 25 दिया गया है, कितना दिया गया मान लीजिए 25 दिया गया है ऊपर से, ठीक है, लेफ्ट भी ले सकते हैं, बात वही है। और फिर बोलेगा कि पूजा के आगे आपको गिवन है 22 छात्र, पूजा के आगे मेल कितने हैं हमारे पास में, 22 हैं। तो अब एक बेसिक सी बात देखिए मित्रों आप, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कितने लोग हैं, 25 लोग हैं, और 25 में 22 क्या हैं, 22 मेल हैं, तो फीमेल कितनी होंगी, फीमेल होंगी 3। अब आपसे पूछेगा कि पूजा के पीछे कितनी छात्राएं हैं, तो मतलब पूजा को छोड़कर नीचे वाले एरिए में हमें फीमेल फाइंड करना है, फीमेल छांटना है, तो टोटल लड़कियां कितनी हैं, 20 हैं, तो क्या लिखेंगे, 20। पूजा तक कितनी हैं, 3 हैं, तो माइनस क्या करेंगे, 3, तो 20 में से 3 क्या, तो क्या आएगा, 70, और 70 क्या होगा हमारा, परफेक्टली राइट आंसर होगा। तो मित्रों ये था आपका टाइप नंबर 4। तो मैं समझ सकता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम लेके आएंगे आपके लिए डायरेक्शन टेस्ट के अलग अलग टाइप से क्वेश्चन। डायरेक्शन टेस्ट में हम करीबन 4-5 टाइप पढ़ने वाले हैं, और एक एक टाइप को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बने रहिए और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे मित्रों।